समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर वरिष्ठ नेता मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, पिछला चुनाव भी मामूली अंतर से हारे थे। मुस्तफा सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये बताइए कि क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा तो बहुत है हमारे पास। एक मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षण है, भारत संविधान बचाने। दूसरा मुद्दा हमारा है आरक्षण बचाने। तीसरा मुद्दा है महंगाई की, कितना महंगाई चरम सीमा पर है। चौथा मुद्दा हमारा है बेरोजगारी की। पांचवा मुद्दा हमारा है भ्रष्टाचार। जैसे डबल इंजन सरकार बनाते हैं, डबल भ्रष्टाचार भी हुआ है। कोई भी थाना, तहसील, ब्लॉक कहीं चले जाइए, बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। इसलिए मुद्दे बहुत हैं हमारे पास हैं, उसको हम जितना गिनाए उतना कम है। मतलब जो लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी का PDA का फार्मूला था, संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के नाम पर वोट मांगे थे, उसी मुद्दे को लेकर आप इस चुनाव में भी उतरेंगे? उस मुद्दा तो हमारा मुख्य मुद्दा है। इसके साथ साथ हमारा फूलपुर का लोकल मुद्दा है, क्योंकि हम फूलपुर, हमारा गांव जो है ब्लॉक, तहसील, थाना सब फूलपुर में आता है। तो वहाँ पे इतने मुद्दे हैं कि वहाँ पे कोई विकास किसी ने नहीं किया। 1971 में मैया लक्ष्मी पंडित जी आई थी, एक कॉलेज बनाया था जिसकी हालत एकदम खस्ता हो गई। दूसरा कोई कॉलेज आज तक नहीं बना, न कोई टिकने का कॉलेज बना। वहाँ पे फूलपुर कोहना की तरफ पूरा जल भराव हो जाता है, जिससे कि आदमी निकल नहीं पाता है। गांव आप इफ्को गए होंगे, इफ्को के सामने बीरकाजी रोड जाती है, वहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 घंटा लगता है जाने में गाड़ी से, अगर आप जाएंगे, क्योंकि इतने गड्ढे हो चुके हैं, आज तक उसको बना ही नहीं गया। तो गाँव गाँव में उसे बहुत से मुद्दे हैं। जो हमारे मुख्य मुद्दा तो संविधान बचाने की है, आरक्षण बचाने की है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने PDA बनाया, बराबर सबको सम्मान दे रहे हैं। अभी 6 टिकट में आप देखिए, हर समाज के लोग उसमें हैं PDA के। तो हमारा मुद्दा बहुत है, उस मुद्दे को लेकर के हम लोग जाएंगे। और पिछले बार भी गए थे, पिछले बार भी 1 लाख ज़्यादा वोट हमको मिला था। 2024 में भी हम लोग गए, 2024 में 18,000 से लगभग हम लोग फूलपुर विधानसभा जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि BJP वहाँ बहुत मजबूत है? अगर BJP मजबूत है तो अभी 2 महीने पहले 18,000 वोट से हार कैसे गई? अगर मजबूत 18,000 वोट माने रखता, 18,000 वोट से हम लोग जीते हैं। और वहाँ पे कोई BJP का नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि जो BJP के वोटर थे वह सब समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। जितना पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो उनको वोट देते थे, आज समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, इसे कोई मतलब पकड़ने वाला इसको नहीं है। अच्छा, वो कौन सा फैक्टर होगा जो लगता है कि जिस वजह से लोग आपको वोट देंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा भारत के संविधान बचाने की। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है वहाँ पर जो है आरक्षण बचाने की। उससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा हमारा है बेरोजगारी की। वहाँ पर बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार की। वहाँ मुद्दा है महंगाई की। और इसके साथ साथ सारे लोग, चूँकि मैं फूलपुर का मूल निवासी हूँ, हमारा तहसील, थाना और ब्लॉक सब फूलपुर में आता है। मैं फूलपुर की यथा स्थिति को जानता हूँ, क्या वहाँ पे हैं। आज तक वहाँ पे कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं खुला, तो आपके स्वास्थ्य बारे में कोई हॉस्पिटल नहीं खुला, जो पुराना आज 40 साल से चल रहा है वही चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है, रोज 3 मंत्री 4 मंत्री वहाँ डेरा जमाए हुए हैं। वहाँ पर 50 मंत्री आ जाएँ, उससे विकास तो नहीं हो रहा है। वो आपको उल्टा सीधा भले समझाओ, लेकिन वहाँ जनता जानती है उसको क्या तकलीफ है। और ये भी जानती है, अगर ये कष्ट कोई दूर कर सकता है तो समाजवादी पार्टी माकनी अखिलेश यादव दूर कर सकते हैं। इसलिए सारे लोगों के आज सिंपथी और सारे वोट समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं। अच्छा, आप अकेले समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी का भी पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इतना मतलब जितने उनके नेता हैं, कम से कम 300 नेता खून हमारे पास, उनका विधायक जी बताइए, कल शाम से लेकर अब तक हम लोग आपके साथ चल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और आपको जिताने का काम करेंगे। सारे जितने भी उनके बड़े नेता हैं, सब खून इलाहाबाद में हमारे पास आया और सब जुड़ रहे हैं, सब काम करेंगे हमारे साथ, हमको वोट दिलाने काम करेंगे। और जो जनता जो थोड़ा बहुत 2022 में लड़े थे, अकेले अकेले लड़े थे, तो 1600-1700 वोट फैला था, हमको 1 लाख ज़्यादा वोट मिला था। तो जो 1600-1700 वोट उनका है, उससे भी और जो है वो सब लोग मिल करके हमको जिताने काम करेंगे। अच्छा, कुछ सोच रखा है आपने फूलपुर के लिए कि अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे? जब लोगों के बीच जाते होंगे तो क्या कहते हैं कि हमें जिताओ तो हम क्या करेंगे वहाँ के लिए, विकास के लिए? हम जाते हैं फूलपुर, मैं जानता हूँ फूलपुर क्या क्या कमी है,
सबसे ज़्यादा तो हमारी रुचि शिक्षा संस्थान है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा से ही आपके आदमी का विकास होता है, तो हम शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शिक्षा के बाद हमारा वहाँ स्वास्थ्य संबंधी और हॉस्पिटल वगैरह इस पर हम ध्यान देंगे, संबंधी में उस क्वेश्चन उठाएंगे। सरकार हमारी है नहीं अभी, एक फिर भी हम आवाज़ उठा करके इसको लाने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ साथ जो गलियों में जो गड्ढे हो गए हैं, मुक्त हो गए, जिसको हम खुद कर सकते हैं अपने निधि द्वारा, उसको काम करेंगे। जो हमारे यहाँ जल जमाव होता है, जो नहीं लोग पानी बरसात में निकल नहीं पाते हैं, उसके निकासी के लिए उसका हम नाली वाली बनवा कर उसको निकालेंगे। ये सारे मुद्दे हैं, इस सबको हम दूर करने का प्रयास करें। यही हमने सब लोगों से बताया कि आपके मुद्दा हम जो हमारे हाथ से करेंगे, बाकी और जो मुद्दा हम नहीं कर सकते सरकार आने की बात करेंगे। और सरकार में जब तक उनकी है, हम उनसे असेंबली में अपना प्रश्न लगा कर छोट दूर करने का प्रयास करेंगे। मतलब आप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से सीधी होगी या बसपा के साथ मिलकर त्रिकोणीय मुकाबला होगा? देखिए, सारे पार्टी आज बैठ गई हैं, आप जमीन पे दौड़ रहे हैं, हकीकत जानते हैं। कोई पार्टी आज मतलब खड़ी नहीं है, सारे पार्टी के लोग बैठ चुके हैं। खाली एक ही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, और वो पार्टी है समाजवादी पार्टी, और उसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी पूरी ताकत से आज भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासन में है, इसलिए सीधा मुकाबला हमारा भारतीय जनता पार्टी से। मतलब मानते हैं कि बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलेगी? कड़ी टक्कर तो नहीं कह सकते, हाँ ये है कि हल्का टक्कर वो लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका भी विश्वास जैसा 10-15 साल में खो दिया है, तो इस वजह से हमको नहीं लगता कि कोई हमारी टक्कर होगी। लेकिन यह अगर कुछ होगी भी तो भारतीय जनता पार्टी। तो धन्यवाद, ये है मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, और इनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है। संविधान और आरक्षण बचाने के मुद्दे के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, उन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ेंगे। इन्हें जनता का भरोसा हासिल है और जीत भी हासिल करेंगे, इस तरीके का दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।